अब राज्य शाखा पुलिस विभाग के वाहन चोरी विरोधी दस्ते ने दो वाहन चोरों से 5 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं। आरोपियों के नाम समीर अहमद और बाबा सईद अंसारी माजरी पांचरा नागपुर और फिरोज रुस्तम खान है। पुलिस सूत्रों के अनुसार वाहन चोरी विरोधी दस्ते ने शुक्रवार को गश्त के दौरान गुप्त सूचना मिलने पर आरोपी समीर अहमद और फिरोज खान को गिरफ्तार कर वाहन चोरी के मामले को उजागर किया। गुड्डे लेआउट भांटी परसोड़ी निवासी रौनक मुनिराज सूर्यवंशी गत 28 जून को अपने दोस्त के घर सोयोग नगर अजनी गया था, जहां से उसकी दोपहिया चोरी हो गई थी। चोरी की शिकायत अजनी थाने में की गई। पुलिस थाने और वाहन चोरी विरोधी दस्ते ने मामले की जांच शुरू की। इस दौरान उक्त दोनों आरोपी पुलिस के हाथ लग गए। आरोपी समीर ने फिरोज खान माटी नगर निवासी के साथ मिलकर वाहन चोरी का गुनाह कबूल किया। पुलिस ने आरोपियों से करीब 2,90,000 रुपए का माल जब्त किया है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में वाहन विरोधी दस्ते के पुलिस निरीक्षक भोसले, सहायक पुलिस निरीक्षक मयूर चौरसिया, नरेंद्र ठाकुर, रवि अहिर, सागर ठाकरे, कुणाल मसरा, नरेश देशमातरी, साइबर सेल के उप निरीक्षक झाड़ूकर, सुहास सिंह ने, सूरज व अन्य ने कार्यवाही में सहयोग किया। माननीय श्री गजानन राजमाने साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली काल वाहन चोरी पथक गुन्हे शाखा आम्ही सगळे पथकासह पेट्रोलिंग करीत होतो, तेव्हा गुप्त बातमीदाराकडून एक माहिती मिळाली की वांजरामध्ये रेकॉर्डेड आरोपी आहे, ज्याचं नाव आहे समीर अहमद सय्यद अन्सारी। यापूर्वी आम्ही त्याला अटक केलेली आहे वाहन चोरीच्या गुन्ह्यामध्ये। त्याच्याजवळ आणखीन वाहने चोरीचे वाहने असल्याची माहिती मिळाली, त्यावरून आम्ही त्याला ताब्यात घेतले व विचारपूस केली असता 5 गुन्हे डिटेक्ट झालेले आहे। त्यामध्ये एक आरपी नगरचा गुन्हा आहे, एक गिट्टी गदान पोलीस स्टेशनचा आहे, एक अजनी दोन अजनी पोलीस स्टेशनचे आहे आणि एक जरीपटका पोलीस स्टेशनचा आहे। अशी 4 ॲक्टिवा मोपेड वाहन, एक ज्युपिटर, असा टोटल 2,90,000 मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। सदरचा आरोपी वाहने चोरी केल्यानंतर लोकांना विकत होता असं सांगत होता की मी कागदपत्रे आणून देतो आणि पैसे घेऊन गेल्यानंतर त्यांना भेटत नव्हतं। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।